यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद भविष्य के फौजियों और वो सभी क्रांतिकारी बच्चों जो देश सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आज मेरे साथ एक ऐसा बच्चा है, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा, इस देश का जवान जिसने एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया और अपने सपनों को पूरा करके ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके मन में डेडिकेशन है और आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो वैभव बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सबसे सर। पहले तो मैं वैभव से माफी भी मांग चुका हूँ, एक बार ऑनलाइन भी मांग लेता हूँ कि सुबह 7 बजे वैभव यहाँ पे आया और मैं वैभव को अटेंड नहीं कर पाया, और नो डाउट इंतजार का फल मीठा बिल्कुल होता सर। है। तो वैभव क्या कहना चाहोगे अपने इस सक्सेस के बारे में, क्या आपका? कुछ नहीं सर, बस लगा तो बहुत दिन से था पर एग्जाम नहीं निकला क्योंकि लॉकडाउन से मतलब एग्जाम हुए नहीं। तो हाँ, पर एक चीज थी कि लॉकडाउन में मेहनत की तो उसका मतलब आज इतनी अच्छी रैंक आई है। और एक जो फेज 2 में जो सपोर्ट मिला, अगर फेज 2 नहीं हो पाता तो रैंक भी नहीं बन पाती शायद। बिल्कुल तो फेज 2 में आके मतलब इतना बढ़िया लगा यहाँ पे कि मतलब सर हमारे थे और बाकी सारे स्टूडेंट थे, तो एक अलग से ही मतलब मोटिवेशन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो घर पे रह के मतलब जो हम लोग फेज 2 की तैयारी कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं थे क्योंकि हम टॉपिक तो रट सकते हैं पर लेकिन वे ऑफ टॉकिंग नहीं सीख सकते, बिल्कुल वो बिल्कुल हमें यहाँ पे आके ही मिला। बिल्कुल वैभव देखो, एक चीज वैभव की मैं ये भी कहूंगा कि कहते ना कि पहली सीढ़ी भी जरूरी होती है और आखिरी सीढ़ी भी। बिल्कुल सर, अगर आप देखो तो अगर हम फेज 1 की भी बात करें तो रिटेन एग्जाम ना निकले तो फेज 2 ना पहुंचे। बिल्कुल सर, अच्छा, गांव के रूरल एरिया के बच्चे, मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं भी गांव में रहा, गांव में रह के पढ़ाई की, हम लोगों के लिए इंग्लिश का एक डर भी रहता है वैभव। जी सर, मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, मुझे लगता है कि अगर हम फेज 2 जीडी की बात करें तो जीडी को कोई भी अध्यापक ये कहे कि मैं पढ़ा दूंगा तो नहीं, बल्कि नहीं वो कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के अंदर बिल्कुल डेवलप कर सर, दे, बिल्डअप कर दे, तो वो बहुत काम करता है और शायद वही एक बच्चे के लिए बूस्टअप का काम करता बिल्कुल है। सर, तो वैभव एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आपने एनसीसी की जी सर, और एयरफोर्स में अभी आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बाद आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है? सर मेरा तो 2 ही टारगेट है, पहला तो स्पोर्ट में और परमानेंट तो मैं हो ही जाऊंगा मुझे पता है क्योंकि मेरे पास एलिजिबिलिटी है, मैं सी सर्टिफिकेट हूँ, स्पोर्ट में मेरा नेशनल है। तो ग्रेट, उसके बाद पहले मुझे स्पोर्ट में देखना है, अगर स्पोर्ट में नहीं होता है तो परमानेंट है, अगर परमानेंट वहाँ पे मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़ें, पहली बात तो डिफेंस इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल बंदा आना नहीं चाहता बाहर। बिल्कुल तो तीसरा ये है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मान लो हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यहाँ पे भी जा सकते हैं प्लस सीजल भी कर सकते हैं, पर ऐसा मेरे ख्याल से ना ही हो क्योंकि एयरफोर्स इतनी अच्छी जॉब है, जो रेस्ट पूल है वो सबसे बढ़िया जॉब ये हो नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक बात और मुझे बड़ा अच्छी लगी कि अभी जैसे कल एक बच्चा आया था आर्मी क्लर्क में जी सिलेक्टेड, तो वो बता रहा कि वहां पे स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते जी हैं, बिल्कुल बहुत सर, सी ऐसी वैकेंसी होती बिल्कुल है जिसमें आप वहां पे एग्जाम दे सकते हैं और आगे प्रमोट हो हाँ सकते सर, हैं। एक ACC नाम से एंट्री हाँ, आती है एसीसी होता है। तो उसका भी एग्जाम, जैसे उसमें डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, अच्छा हाँ उसका भी एग्जाम होता है वहाँ पे अंदर, जो बच्चे जैसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा वैभव, आपने बताया कि नेशनल जी सर, मतलब कौन सा गेम सर आपने, मैं कबड्डी से नेशनल खेल चुका हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ तो ये तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, अच्छा वैभव एक चीज और है, जैसे हम आपके फैमिली में क्या आप कितने मतलब ऐसा इंस्पायर्ड हुए कि मुझे फोर्स में ही जाना, ऐसा क्यों लगा, या फैमिली से इंस्पायर हुए या बाहर किसी को पहली देख? बात तो सर ये है कि मेरे बाबा इंडियन आर्मी में थे, ओके उसके बाद मतलब मेरी फैमिली में कोई नहीं था, अच्छा, तो पापा को भी मतलब कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा बच्चा यूनिफॉर्म पहने किसी की भी पहने, बिल्कुल पर मेरा ड्रीम था कि एयरफोर्स की जॉब मैंने जब देखी तो उसकी मतलब मुझे इंस्पायर करके अंदर से। लॉकडाउन से मेरा 2020 में हुआ था, उसके बाद तुरंत लॉकडाउन आ गया, मार्च में पेपर दिया 12th का और लॉकडाउन आ गया, तो मैंने सोचा वैकेंसी का बात ये तो पता नहीं था, पर मैं करता रहा, मेरे सारे दोस्त उस टाइम पे मतलब जितने आउट इंडोर गेम खेलते थे सारे गेम खेलते थे, पर मैं घर पे पढ़ता रहा और मतलब फाइनली एक तो मैंने घर वालों का सेविंग भी की कि मैं बाहर कहीं नहीं गया, बिल्कुल और घर पे स्टडी की, मैंने ये सोचा था कि जब भी जाऊंगा तो फेज 2 में ही जाऊंगा बाहर, तो मैंने घर पे रखी की और मेरा फर्स्ट बैच भी एग्जामपुर से ही मैंने लिया था, अच्छा बहुत वो बढ़िया बैच लेने के बाद मैंने सारे नोट्स कंप्लीट कर दिए और फिर मैं यूट्यूब से पढ़ाई करने लगा, बहुत। तो उसके बाद मेरा मतलब डायरेक्शन सीधा था कि जाना है तो इसी में जाना है, नहीं तो और कोई नहीं। फिर मेरे उसके एयरफोर्स के साथ साथ मेरे 5 एग्जाम निकले एक ही साल में, अरे वाह, कौन कौन से? दो बार एयरफोर्स का निकला, पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा अभी निकला था फर्स्ट 2024 का, एक आर्मी का निकला उस टाइम में मेरा मेडिकल चला था एयरफोर्स का, और एक नेवी का निकला था उसका मैं फिजिकल दे नहीं पाया क्योंकि मेरा री मेडिकल मुझे मिल गया था मेडिकल में, पर वो भी क्लियर हो गया, तो अभी मेरा CRP का मतलब निकला है ट्रेडमैन में, तो पर अच्छा, मैं अभी इसकी ज्वाइनिंग लेने अरे वाला हूँ। वाह, मतलब आप ये देखो, कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करो ना तो सच में जॉब, क्या जॉब, तो बहुत
छोटी चीज हो जाती है। मैंने मुझे ऐसे ऐसे भी बच्चे मुझे याद है जिन्होंने सात सात एग्जाम भी निकाले। तो इसको आप किस दृष्टि से वैभव देखते हो कि लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाले को जॉब सच में? बिल्कुल सर, आजकल के सर यूथ क्या करते हैं कि सर मतलब एक साल पढ़ लिया या डेढ़ साल पढ़ लिया उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम एक डेढ़ साल में कितनी मेहनत कर चुके हो। अगर वहां से बैंक जाते हो फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा, तो बंदे क्या करते हैं कि यहाँ से आके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम ये होता है कि एक अटेम्प्ट देने के बाद उनकी नौकरी लग जाती है। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा अब नहीं होगा तो मैं और कुछ ट्राई करूंगा, पर घर वालों का चेहरा देखता था तो बोले ये सोचते कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यूनिफॉर्म एक बार पहन जाए। तो लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया तो मैं ये सोचा कि ये लास्ट टाइम अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। पर घर वालों की वजह से मैंने एक और एग्जाम दिया और उस एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक बन गई। बहुत बढ़िया, मतलब यही देखो, एक होता है ना कि आप अपना विश्वास मत टूटने दो, और अगर आप विश्वास नहीं टूटने देते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। वैभव, मुझे जो पता है, जैसे मैं आपसे फेज टू के लिए आप यहाँ पे आए और वो मुझे समय बड़ा बहुत अच्छे से याद है। कि एक होता ना कि एक हर एक बच्चे के अंदर, मैं भी शरारती था, मैं भी अपने आप को उस जगह पे देखता था कि ये सारी चीजें बड़े हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। तो वो दौर आपके लिए, मतलब फेज टू वाला दौर जब आप एग्जामपुर में आए, सर वो 10 days तो सर मेमोरी बन गया सर मेरे 10 days, मतलब वो अभी भी मैं याद करता हूँ, सर को याद करता हूँ, बारी सारे क्लास मतलब जो भी थे तो अभी भी बात होती रहती है। तो उस टाइम पे सर जो 7 से 8 घंटे क्लास होती थी, तो वो भी सर मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में 7 से 8 घंटे लगातार ऑफलाइन में कहीं बैठ के मैं पढ़ा था, तो मैं बोरिंग 1% मुझे नहीं लगा। क्योंकि सर आप जैसे सर थे कि 24 घंटे, मतलब हम लोग वहाँ पे यही सोचते कि कब हमारी नेक्स्ट डे आए, कब हमारा नेक्स्ट डे आए, और पीछे बैठ के सर से मतलब इतना मोटिवेट होते थे सर, में आने वाले क्या करते थे, तो बहुत अच्छा सर जो पढ़ाते थे उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन करके आते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बहुत बहुत जबरदस्त बात थी वैभव। मैंने कहा ना कि जीडी तो वैभव मुझे लगता कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है वो वहीं से होता है। तो वैभव बहुत अच्छा लगा, मैं उन बच्चों के लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कोर्स की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डेडिकेशन है ज्वाइन करने का फोर्स को, तो आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो अटेम्प्ट देने से ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है किसी की लक अच्छा हो तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट पे हो जाए, पर मोस्टली क्या होता है सर, अगर मतलब तुम लंबे समय से तैयारी करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम लंबे समय तैयारी करो तुम्हारी तो रैंक बनेगी, पर वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये चीज है बस। वैभव एक चीज और, आपकी कितनी रैंक है? मैं सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 बनी है। 98, आप देखो मतलब 2 digit में रैंक लाना कितनी बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग देखें कि लोग कहते हैं कि इंडिया में इतने लाख लोग एग्जाम देते हैं, इतने लाख लोग एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है एयरफोर्स का भी लगभग 2 से 3 lakh बच्चों ने एग्जाम, 3.5 lakh बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें से लगभग मुझे लगता है 1.5 lakh बच्चों ने रिटेन भी क्वालीफाई किया होगा। सर रिटेन तो सर पिछली बार सर 10,000 ने किया था, दस हजार बच्चों ने किया, मतलब 3 lakh से 10,000 पे आ गए। जी सर, अब बताइए 10,000 बच्चों ने रिटेन एग्जाम, क्या इसका एग्जैक्ट डेटा अभी तक तो नहीं मिलता था? जी अब शायद मिलने लगा। मिलना सर, उसके रोल नंबर के हिसाब से, हमारा रोल नंबर होता है उसके हिसाब से पता चल जाता है। अच्छा, तो 10,000 बच्चों ने रिटेन एग्जाम क्वालिफाई किया, और 10,000 बच्चों के रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप समझिए 98 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में, मैं तो इसको मतलब मैं इसको चमत्कार तो नहीं कहूंगा, मैं इसको मेहनत का फल कहूंगा। तो साथियों कुछ भी असंभव नहीं है, आप भी वैभव की तरह बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आप में लगन हो, आप में अनुशासन हो, और आप डाउन टू अर्थ जरूर हो, क्योंकि ये आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर तक पहुंचाता है। और मैं कहता हूं कि पहली सीढ़ी अगर आपने पार कर ली, ये आपकी अंतिम सीढ़ी नहीं है। आप नौकरी बनने लगने के बाद जो इंसान बनते हैं वही समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर एक बात और कहना चाहूंगा सर, टीचर्स और हमें इतने अच्छे मिल ही गए तो हमारा मतलब एक मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गए हम। पर सर एक घर पे भी रहता है कि हमारे जैसे गांव में और लड़के थे जो बाहर रह के पढ़ते थे, ऑफलाइन जाते थे बाहर, तो मतलब घर पे रह के एक मतलब मैं घर पे रहा और मुझे सबसे ज्यादा पापा ने तो मोटिवेट किया क्योंकि वो प्राइवेट टीचर थे, ठीक, और ऊपर से भैया हमारे भी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा। और मेरे घर वालों ने मतलब जब मैं पढ़ता था तो इतना मोटिवेट करते थे, वहाँ के बाद में दूसरे आप ही से जो मतलब एक मेंटर मिल गए घर वालों के बाद में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वैभव। और मैं बताऊँ ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं वैभव, सुबह से मैंने बताया वेट कर रहा था, और उसके लिए मैं मतलब मैं बहुत खुश होता हूँ जब कोई बच्चा स्पेशली स्टूडियो में आकर मिले। और ये भी बहुत कम होता है कि मैं मानता हूँ कि बच्चों के पास बड़ा कम समय होता है, आप समझिए कल इसको वैभव को ट्रेनिंग पे जाना है और आज मुझसे मिलने के लिए ये इतनी दूर से आया, और
बहुत ही एक मेरे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से टीचर के लिए ये एक असली कमाई होती है। तो फिर से मैं वैभव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक वादा और करता हूँ आज वैभव से, ऑनलाइन वादा करता हूँ कि वैभव को पढ़ाई से रिलेटेड कभी भी आगे भी कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं इसके साथ हूँ। और मैं एक वादा और कर रहा हूँ, आप देखिएगा एक दिन ये जरूर बदन पर वर्दी तो पहनी चुका है, कंधे पर सितारे भी लगेंगे, ये ऑफिसर भी बनेगा। मेरी ऐसी ब्लेसिंग्स इसके साथ है क्योंकि इसकी मेहनत, इसकी लगन इसको बहुत एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाती है। तो आप सभी भी जुड़े रहिएगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे और हर एक उस बच्चे तक शेयर जरूर करेंगे जिसको लगता है कि उससे नहीं हो पा रहा है, वो भी शायद उस अपने उस मुकाम तक पहुंच सके। और लास्ट में मैं बस दो ही लाइनें कहूंगा कि वैभव के इस किरदार के लिए कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार फिर से वैभव को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।